बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। दोबारा नॉर्थ विस्टा फेज़ टू के प्रोजेक्ट के ऊपर आपको लेकर आया हूं और इसकी कंस्ट्रक्शन अपडेट की अभी मैं वीडियो बना रहा हूं कि माशाल्लाह काम देखें आप कितनी तेज़ी से इसका हो चुका है। मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं कि काम इतनी तेज़ी से इस लेवल पर नहीं पहुँचा था जो अब आ गया है। सो आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखें, नाज़माबाद के अंदर 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए की चीज़ें अब हो गई हैं, जो सरिये की प्राइस हो गई है, जो सीमेंट की प्राइस हो गई, जो लेबर कॉस्ट हो गई है, तो आपको सस्ती चीज़ें अब नहीं मिलेंगी, ठीक है। मगर अभी भी जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको 4 कमरों का अपार्टमेंट नियर बाई 1.25 करोड़ रुपये और 5 कमरों का अपार्टमेंट नियर बाई 1.5 से 2.25 करोड़ रुपये में मिल जाएगा अभी, क्योंकि अभी इलेक्शन और चीज़ों में डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आना है। अभी मार्केट स्लो है, दैट्स द रीज़न के बिल्डर भी कहीं ना कहीं अपने प्राइस की नेगोशिएशन पे तैयार हो जाता है और मैं आपको इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर यूनिट दे रहा होता हूँ। अच्छा, लोकेशन ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियोस में बताई भी है कि नाज़माबाद ब्लॉक ए, नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक ए के ऊपर ये सैचुरेटेड है और जिस बिल्डर का है उस बिल्डर की अपनी खुद हिस्ट्री है, अलरऊफ़। और अलरऊफ़ तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 से 22 प्रोजेक्ट मार्केट में डिलीवर किए हुए हैं और ये आप रास्ता देख सकते हैं, ये रास्ता सीधा बोर्ड ऑफिस को जा रहा है, इसके सामने बिल्कुल बोर्ड ऑफिस का ब्रिज है, ठीक है। तो नाज़माबाद के जो बोर्ड ऑफिस का ब्रिज है, इसकी पहली गली के अंदर ये प्रोजेक्ट है और काम माशाल्लाह बहुत तेज़ी से चल रहा है, जो आपको 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पर चीज़ें मिल जाएंगी अभी। तो लेट नहीं कीजिए, इन नंबर पर कॉल कीजिए गिवन नंबर पर और अपना यूनिट रिज़र्व करवाइए, अभी टाइम अच्छा है, चीज़ें रिज़र्व करा लेंगे तो यूनिट रिज़र्व हो जाएगा। आगे इलेक्शन के बाद चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, तो दैट्स द रीज़न कि आपको वो प्राइस नहीं मिलेगी। बिल्डर ने अभी तक इसके पैसे नहीं बढ़ाए हैं, मगर ये बढ़ा देगा। उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं अभी, मतलब जो जिस तरीके से सरिया की प्राइस ऊपर चली गई है, जिस तरीके से सीमेंट की प्राइस ऊपर चली गई है, तो डेफिनेटली बिल्डर अपनी यूनिट के प्राइस को भी ऊपर करेगा। तो लेट नहीं कीजिए, अपना यूनिट रिज़र्व करवाइए इस पुरानी प्राइस के ऊपर। और अभी मैं ऊपर से भी आपको दिखाऊंगा कि ये ऊपर से इसका व्यू क्या आ रहा है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि नाज़माबाद के अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 प्रोजेक्ट मेरे चैनल के ऊपर लगे हुए हैं और जो कि 3 करोड़ 3.5 करोड़ रुपये के भी हैं, जो मेन रोड के प्रोजेक्ट्स हैं। अभी चूँकि ये गली का है तो इसलिए आपको थोड़े कम प्राइस के ऊपर अभी मिल रहा है, मगर इसका व्यू जो मिलेगा वो गली का नहीं मिलेगा। आप ये समझिएगा, मैं भी ऊपर से आपको दिखाऊंगा, ऊपर से नो डॉट बिल्कुल ओपन माहौल है, क्योंकि सामने जो है, चूँकि एसबी प्लॉट्स हैं, जो ये आप देख सकते हैं, ये सारे एसबी प्लॉट हैं जो ग्राउंड प्लस 4 ग्राउंड प्लस 3 के बनेंगे, ठीक है। तो उसमें ये जो मेज़र 9 ग्राउंड और ये चीज़ें निकलेंगे, तो ये तो वैसे ही बाहर निकल जाना है। तो जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर भी खड़े होंगे तो आपको व्यू आउट मेन रोड का आ रहा होगा, और सोचिए आप अगर 10वें या 11वें फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो ये बिल्डिंग आपका व्यू आउट क्या दे रहा होगा, बिल्कुल सामने नाज़माबाद हैदरी और सारा व्यू आपका बिल्कुल सामने होगा। अच्छा, इसके बिल्कुल पीछे पार्क है, मैं भी अभी ऊपर जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, और काम इसका कितना तेज़ी से चल रहा है वो भी मैं अभी दिखाता हूं आपको अंदर जाके। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वजह यह है कि ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए बनाई जाती है, अपना ख्याल रखिएगा, चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है, ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो पोस्ट की भी है, मेन नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक ए के अंदर, ठीक है। और मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जो बिल्कुल आपके सामने दिख रहा होगा, अगर मैं थोड़ा सा खास करके दिखाऊं तो ये जिना यूनिवर्सिटी है, ठीक हो गया, ये ग्रीन लाइन मनसूबा चल रहा है, ये जिना यूनिवर्सिटी है, ठीक हो गया। और इसी के साथ ये ब्रिज चल रहा है जिस पर ये सायमा का प्रोजेक्ट भी है, ठीक है। इस रोड के ऊपर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, अभी माशाल्लाह कारपेटिंग का भी काम हो गया, रोड भी माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश बन गया है अभी दोबारा से, बट बिल्डर ने कहा था कि मैं इसको कारपेट करवाऊंगा जब हम पोजीशन की तरफ जाएंगे, बट अभी पोजीशन बहुत दूर है, 3 साल 3.5 साल के सॉल्वेंट प्लान के ऊपर है। तो अभी मैं आपको आगे भी दिखाता हूं इसके प्रोजेक्ट के हवाले से, मगर व्यू वाइज दिखा दूं कि ये व्यू वाइज बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। नॉर्थ नाज़माबाद के अंदर आपको मार्केट प्राइस के अंदर चीज़ें मेरे हिसाब से 3.5 से 3 करोड़ रुपये के दरमियान अब हो गया है, जो मेन रोड फ्रंट के ऊपर जो अपार्टमेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से, अगर आपको 1.20 1.30 के अंदर 2 बाई DD और तकरीबन 1.60 1.70 में 3 बाई DD का अपार्टमेंट मिल जाता है तो नॉट बैड, ठीक है। मेरे पास इन्वेस्टर यूनिट मौजूद है, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं तो मैं आपको अच्छी प्राइस के ऊपर, एक डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर चीज़ें दिलवाऊँगा। अभी मैं चूँकि इसका मैं आखिरी स्टेप से स्टार्ट किया हूँ तो मैं अभी नीचे की तरफ चलता हूँ। अच्छा, ये माशाल्लाह वर्किंग बहुत ज़बरदस्त चल रही है कि डेवलपमेंट का काम साथ साथ चल रहा है, एक फ्लोर की छत डल रही है और नीचे का अपार्टमेंट कंप्लीट होता जा रहा है, मैं भी दिखाऊंगा नीचे से अभी जाते हुए आपको, और इसी तरह फिर मैं अपार्टमेंट दिखाऊंगा।
और इसके बैक फेसिंग जो है वो पार्क है, फ्रंट फेसिंग जो है ये रोड है जो मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ। अच्छा, अभी अपार्टमेंट के साथ साथ नीचे आपको मैं अपार्टमेंट दिखाता हूँ कि किस तरीके से तेज़ी से काम चल रहा है, और उसके बाद फिर बाहर से भी आपको व्यू दिखाऊंगा, फिर इसका मॉडल भी दिखाऊंगा, फिर इसका फ्लोर प्लान भी ऐड करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस पैसों के अंदर बुरा सौदा नहीं है भाइयों, 3 साल 3.5 साल के इंस्टॉलमेंट में नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक ए के अंदर आपको ये चीज़ें मिल रही है, नॉट बैड। ठीक हो गया। अच्छा, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस अगेन मैं आपको दिखा तो चुका हूँ, और करीब से दिखा देता हूँ। मुझे अभी दिखा है मैट्रिक बोर्ड ऑफिस करीब से, क्या मैट्रिक बोर्ड ऑफिस ये सामने आपको दिख रहा है। ठीक हो गया, तो अब नीचे चलते, नीचे भी आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट किस तरीके से अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम कितना तेज़ी से चल रहा है। आइएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह जो उस फ्लोर की छत डल रही है, जैसे इस फ्लोर का छत डल चुका है, इस पर माशाल्लाह अपार्टमेंट्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, नीचे तो अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग की तरफ चल रहा है अपार्टमेंट। ठीक है, मैं अभी नीचे की तरफ भी जा रहा हूँ, वो भी दिखाऊँगा। जिस फ्लोर की छत डलती चली जा रही है, अपार्टमेंट बनता चला जा रहा है। ठीक हो गया, अभी यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेस वगैरह भी बन रही है रूम्स की, और उसके बाद ये पूरा तैयार हो जाएगा विद इन, मेरा ख्याल है कि 1 वीक के अंदर ये पूरा अपार्टमेंट, इस फ्लोर का पूरा अपार्टमेंट तैयार हो जाएगा। माशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इससे नीचे वाला फ्लोर जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। आइएगा। अच्छा व्यूअर, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखें आप, ये प्लस्तर का काम हो चुका है तमाम अपार्टमेंट के अंदर, मतलब फिनिशिंग का काम चल रहा है, चूँकि ये फ्लोर रेडी हो चुका है। ठीक है, ये आप अंदर से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये अपार्टमेंट का लाउंज है। ठीक है, और ये हिस्सा ये ओपन किचन में चला जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका ड्राइंग रूम हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये ग्रे स्ट्रक्चर पे तो इतना वाजे समझ में नहीं आएगा। ठीक हो गया, ये इसका एक बेडरूम है। ठीक है, विद अटैच बाथ, और ये इसका दूसरा बेडरूम है विद अटैच बाथ। दोनों साइड पर इसके बालकनी निकलेगी, और इसके सामने जो है वो चाइल्ड वालों का प्रोजेक्ट है। अभी चूँकि हम नीचे हैं तो ये व्यू आउट आपको मिल रहा है। मैं बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ रेजिडेंशियल के। ठीक है, तो डेफिनेटली जितने हाई राइज पे जाएंगे उसका व्यू उतना अच्छा होगा। ठीक है, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 3 साढ़े 3 साल के ऊपर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये सामने रेंजर वालों की जो रेंजर वालों का जो प्रोजेक्ट है जो पोजिशन पर जा चुका है, ये वो प्रोजेक्ट है नाजमाबाद ब्लॉक ए के अंदर। ठीक है, और ये मेन रोड आपको व्यू आउट दिख रहा है, ऑलरेडी मैंने मेन रोड तो आपको दिखा दिया है। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर पे बिल्डिंग खड़ी हुई, नॉर्थ विस्टा 1 है, मैं जिस पे खड़ा हुआ वो नॉर्थ विस्टा 2 है। ठीक है, वो चूँकि बहुत तेज़ी से ऊपर चला गया, इसकी वजह ये कि वो काम पहले से चल रहा था। ठीक है, उसकी 7 रेजिडेंशियल फ्लोर खड़े हो चुके हैं। ठीक है, और इसके अभी तकरीबन 3 रेजिडेंशियल फ्लोर खड़े हुए हैं, जिसमें एक अभी फिनिशिंग के ऊपर हुआ है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 से 4 साल के ऊपर है, और वो वाला जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन 3 साल से 2.5 साल के अंदर आपको उसके इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। वो इससे ज़्यादा टाइम पीरियड पे नहीं मिलेगा, बट उसमें लिमिटेड यूनिट बचे हुए हैं। 2/DD शायद आपको चांसेस मिलने के हैं, बट 3/DD के चांसेस बहुत कम है। ठीक हो गया, ये यहाँ से वहाँ तक के सारे अपार्टमेंट्स आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि ये माशाल्लाह काम कितनी तेज़ी से हुआ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।